ये देखें, शहरी भाई ने बड़े डर डर के ही हमारी ये स्ट्रीट डॉग है, हमें हम इसको खाना खिला रहे हैं और ये बड़ा प्यारा भी है। ये देखें, खुद ब खुद ही हम घर से बाहर निकले तो भूखा प्यासा घूम रहा था, इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है। तो मैंने और शहरी भाई ने डिसाइड किया कि इसको हम थोड़ा सा ना खाना खिला देते हैं। तो ये इतना प्यारा है, हम इसको ज़रा सा इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं, उड़ता हुआ आता है और खाना खाने लग जाता है। अब इंशाल्लाह हम इसे रोज़ खिलाया करेंगे। अगर हमारी इससे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई तो फिर इसको हम इंशाल्लाह अपने ब्लॉग में भी लेके आएंगे। है बड़ा प्यारा, मैं आपको जूम आपको करके सपोर्ट दिखाता हूँ करेंगे तो मैं ऐसे और भी काफी सारे डॉग्स को जो है ना मिलाना करूंगा। इंशाल्लाह। स्ट्रीट डॉग्स, बड़ा प्यासा भी लग रहा है यार ये, अभी थोड़ा डर। गाइस हम सीटी मारते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास। थोड़ा सा अवेयर नहीं है इस एरिया से, इस घर से, तभी ये स्मेल कर रहा है, चेक कर रहा है कि यहाँ क्या होता है। ये देखें कैसे गर्दन घुमाता है शहरी भाई, राइट साइड पे गए तो। आ जाओ। नहीं, थोड़ा सा फेमिलियर होगा फिर नहीं खाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज आप सोच रहे होंगे कि उसी ड्रेस में है, हाँ, सेम हम आज में। आज हमें शाम को ही वीडियो बना रहे हैं। आज हमने सेम डे पे दूसरी वीडियो बना रहे हैं। वैसे हम आते रहते हैं पर वीडियो नहीं बनाते, अभी भी अंधेरा होने वाला है तो हमने कहा बना लें, वो इसलिए हम बना रहे हैं ताकि हमें ना थोड़ा सा गैप मिल सके, क्योंकि हम एडिट नहीं कर पाते, टाइमिंग हमारी कभी क्या हो जाती है, हजारों मसले होते हैं ना, तो इसलिए हमने कहा हम एक वीडियो आगे हो जाते हैं। तो अभी हम आगे खाना भी लाए, मुर्गियों का खाना भी काफ़ी सारा था घर में जो बचा हुआ होता है, अभी हम वो भी इनको खिलाते हैं और आपको मुर्गियाँ और गायनियाँ फल से मिलवाते हैं, और जो हमने न्यू बर्ड ली है उससे भी मिलवाते हैं। यस, डब से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। चले आए। ये देखें हमारे जो मुर्गियाँ हैं और मुर्गा है वो सब दाना खा रहे हैं, वो देखें उसने हमारा पूरा दरख खा लिया। ये तो खा रहे हैं, इतना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत कर दी है, कितना खूबसूरत कर दिया है इसने, नंगा कर दिया है, नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए। आपको मैं और पौधे दिखाता हूँ, एक मिनट, एक ये रहा, एक ये रहा, इसको तो हमने बांधा हुआ है, इसका फ्रैक्चर भी हुआ है, इसको कांटे भी हैं फिर भी, और एक और आइए जरा इसमें, इसको वजूद ही खत्म कर दिया है, ये सबसे बड़ा था, ये इसको वजूद ही खत्म कर दिया है। ये देखें इधर, ये देखें ये और ये देखो, ये मिर्ची होंगे पौधे, और ये इसका भी सत्यानाश कर दिया। ये देखें यहाँ तक उनकी गर्दन नहीं आती, वहाँ तक जिंदा है, यहाँ पे है ही नहीं, बस क्या करें। तो ये देखें गाइस हमारे गायनिया फॉल जो है वो, जो हमने सुबह लूसन वगैरह यहाँ फेंका था वो खा रहे हैं, और कबूतर बाहर नहीं आ रहे, उनका पेट भरा हुआ है, उनके आगे अभी भी बाजरा पड़ा हुआ है जो हमने सुबह डाला था, अभी इनके आगे हम थोड़ा सा दाना और डाल दें। सनान भाई जाओ अंदर देखो, इनके टप में दाना है और डाल देते हैं इसमें। सो गाइस ये देख सकते हैं दाना अभी पड़ा है, हम इनको आप शायद समझते होंगे हम दाना कम देते हैं, ये देखें हम दिन को इतना दाना वगैरह इनको डाल के जाते हैं कि अभी तक पड़ा हुआ है, डबल ट्रिपल दे के जाते हैं। तो दाना है इनके आगे रख देते हैं, अगर इनको खाना हो ये भी खा लेंगे। वैसे बाहर जो है ना यहाँ से मकोड़े वगैरह खा रहे होते हैं चुन चुन के। मौसम देखें गाइस, मौसम बहुत प्यारा है, और अभी 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 बहुत तेज़ हवा चली है, तूफानी हवा चली है, बाकायदा उसमें जो ना धूल मिट्टी थी। हाँ सनान भाई बिल्कुल ही है, मेरा अंडा ही बड़ा हो गया थोड़ा सा, हवा तेज़ चली है। और अभी अजानें हो गई हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की, फिर हम जो है अंधेरा हो जाएगा शायद हम ना बना सकें, तो हम आपको अंदर की मुर्गी पहले दिखा देते हैं और कबूतर एकदम विजिट करा देते हैं, फिर हम व्लॉग एंड करके फिर हम नमाज पढ़ लेंगे। क्यों सुना चले देख, ठीक है अभी हम पहले मुर्गी देखते हैं और आपको वो भी तो दिखाना है डब। तो गाइस ये देखें मुर्गी बैठी हुई अंडे पे, और बाजरा भी फुल है, पानी भी है उसमें, और मुर्गी अंडे पे बैठी है, नीचे इसका अंडा है, हमने उठा के चेक कर लिया है, इंशाल्लाह एक अंडा रहेगा इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं कम से कम एक बच्चा भी दे दे। चले चले पंद्रह अंडे और फटे चेक करते हैं, वो अभी सुबह चेक करेंगे आज। तो गाइस अभी हमने आपको मुर्गी भी दिखा दी और काफ़ी सारे बर्ड्स भी, मतलब जितने हमारे पास सब दिखा दी, कबूतर इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि वो अंदर मज़े से बैठे हुए, आखिरी हो सका तो हम एक सीन उनका भी आपको दिखा देंगे, उनसे भी आपको मिलवा देंगे। पहले हम आपको मिलवाते हैं अपने डब से कि उनकी क्या कंडीशन है, और वो उस पिंज जो हमने उनका लगाया था अंडों के लिए वो उसमें बैठेंगे नहीं, वो भी चेक करते हैं आ जाएं। ये देखें गाइस डब की जो डंडी है वो भी गिरी हुई है, लगता है इनसे मुर्गियों ने छेड़ा है या फिर क्या हुआ है, इस पिंजरे के साथ मुर्गियों ने छेड़ा है, इनका घास भी बाहर आया हुआ है, और
दाना भी पड़ा हुआ इनके आगे, दाना है इनके आगे काफ़ी, इनके लिए इनके हिसाब से बहुत है वो, पानी वगैरह भी है। अभी हम इनके आगे से पानी हटा देंगे। देखें टफ इधर मोड़े, छोड़ दें वो, उसको आखिर में सही कर लेंगे सनन भाई। ये देखें टफ, गाइस ये देखें सनान भाई डक्स को उड़ा रहे हैं बार बार आज। वो देखें फ्लाइंग डक हमारी, ये देखें ये हमारी फ्लाइंग डक है। वो देख, बस सनान भाई मत गाइने फॉल, बाहर चले जाएं तीतर वाला हाल होगा। सनान भाई ने थका दिया बेचारी डक को, गाइनिया फॉल को भी। उस मगरे का टाइम भी हो गया, अब सारे घर भी जा रहे हैं खुद अपने। सनान भाई भी इनको बंद कर देते हैं, छोड़ दें चले जाएगा वो घर में। ये देखें गाइस शहरी भाई अंदर चले गए और आपको एक हम सरप्राइज़ देने वाले हैं, कि वो सरप्राइज़ क्या है वो अभी हम आपसे शेयर करते हैं। ये बताएं शहरी भाई इनको। अभी जब हम अंदर आए हैं तो हमने एक चीज़ नोट की कि हमारे जो कबूतर के चिक्स थे उधर बाहर घूम रहे थे, ची ची आवाज़ें निकाल रहे थे और वो बाहर आ गए थे, मतलब पिंजरे से बाहर नहीं आए थे, अपने जो खुड्डा है ना जहाँ वो थे वहाँ से बाहर निकले थे। अभी हम आपको दिखाते हैं वो कि वो कैसे बाहर निकले हुए थे और बाहर क्यों बैठे हुए थे। आ जाए। सो गाइस ये देखें ये ऐसे घूम रहे थे बाहर, अभी ये बैठ गए हमको देख के, चल रहे नहीं। हाँ भाई चलो भाई, बहुत आराम कर लिया है, जाना नहीं है घर। सुना भाई लाइट पकड़ना, जरा करीब करके रखना, घर जाओ। ये देखें अभी इसके पर पूरे नहीं है गाइस, एक्टिव। माशाल्लाह से जो है ना ये वाला तो सही चल रहा है, छोटा ये अभी तो ये भाग के इधर तो जा रहा था, अभी क्यों पता नहीं बैठ गया, डर गया कि क्या मसला है सर। चोंच कितनी बड़ी है इनकी। माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे हैं यार, अभी इसके पर पूरे नहीं है ना, पीछे दुम पर इसके तो माशाल्लाह ज्यादा आ गए। उसके ये एक दिन बड़ा भी है ना इनसे, ना ये दो दिन बड़ा मेरे ख्याल से, दो दिन तो कितना फर्क है फिर भी। चले भाई इसको अंदर रख देते हैं, इसको अंदर रखेंगे दूसरा मेरे ख्याल से खुद आ जाएगा। गेट बैक टू होम। नहीं अभी देखते हैं। ओहो घर भूल गए, घर भूल गए वो गाइस, अभी खुद घूम रहे थे, अभी पता नहीं क्या मसला, हमने वीडियो ऑन किया तो ये एक्टिंग पे शुरू हो गए। भाई हम एक्टिंग हमें करेंगे, आप नहीं, आप जाए। चले इसको भी रख देते हैं उठा के, कोई बात नहीं। वो देखे दोनों बैठ गए, इनकी माँ जो वो ऊपर ऊपर है, वो वालिद इनका, वालिद वालिद साहब है, माँ ये रही इनकी। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट वगैरह भी किया करें। तो इंशाल्लाह कल हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे और कल से हम ज़्यादा मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। और वो जो मेडिसिन लाए हैं इनके लिए, हम वो भी आपको तरीकाकार बताएंगे कि परिंदे अगर आपके जो है अंडे ना दे रहे हैं उसके लिए कौन सी मेडिसिन है और कैसे देनी है, क्या कोर्स है उनका, फार्मूला और तरीकेकार कितने दिन देनी है, वो सारा हम आपको कल सुबह समझाएंगे इंशाल्लाह। उसका पहला स्टेप जो है वो भी हम करेंगे। पहला स्टेप ये है कि हमने मुर्गियों के आगे से पानी हटा देना। आज हम इसीलिए स्पेशली इसीलिए भी आए, अभी हम इसके आगे से पानी हटा देंगे ताकि ये सुबह प्यासे हो, क्योंकि वो दवाई इनको पानी में देनी है। जब ये प्यासे होंगे ना तो सुबह वो पानी डायरेक्ट पियेंगे, क्योंकि पानी तो नॉर्मली बर्ड्स पीते रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो इतना पानी पियेंगे एकदम से खींचेंगे, जैसे हम प्यासे होते हैं एक एक दो दो गिलास पी जाते हैं, तो जब ये वैसे पानी पियेंगे तब जाके इनमें वो मेडिसिन असर करेगी, डिसॉल्व हो जाएगी इनकी बॉडी में। तो इंशाल्लाह हम उस मेडिसिन की डिटेल्स आपको सुबह बताएंगे और उसके बारे में सुबह बताएंगे और सुबह आपको सब दिखाएंगे। ठीक है, इतना ही अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हम पानी हटा रहे हैं। चलें अल्लाह हाफिज़।